नमस्कार दोस्तों, तो इन वीडियो को देख के आपकी भी कुछ यादें ताज़ा हो गई होंगी। खुले आसमान के नीचे तारों को देखते हुए रात गुजारना कौन नहीं चाहता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम सब अपने अपने घर में बंद है। कोई कहीं जा नहीं पा रहा, कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर नहीं पा रहे, ना ट्रैकिंग ना कैंपिंग, और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन ख़त्म हो और हम फिर वापस पहाड़ों में, बीचेस में या फिर जंगलों में घूमने जाएं। बट उम्मीद करते हैं जल्दी ये सब कुछ ख़त्म हो और चीज़ें नॉर्मल हो और हम वापस इन चीज़ों का आनंद उठा सकें। कल शाम ये थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था, मैं अपने एरिया के पार्क में टहल रहा था तो मुझे कुछ छोटे बच्चे मिले, तो मैं उनसे बातें करने लग गया। उनसे बातें करके मुझे ऐसा लगा कि शायद बच्चों की हालत ज़्यादा ही चिंतनीय है, क्योंकि बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना ज़्यादा मस्ती हो पा रही है, ना ज़्यादा, और घर पे ही बस, और बाकी थोड़ा बहुत पार्क में घूम लिया। तो उनसे मैं बातें करते करते फिर मैंने कुछ ऐसे इधर उधर की बातें करने लग गया। फिर मैं उनको आसमान की तरफ तारों को दिखाने लग गया और उनके बारे में थोड़ा बताने लग गया, तो काफ़ी क्यूरियस हो गया और उनसे बहुत सारे सवाल पूछने लग गया। और फिर मैंने उनको थोड़ी बहुत बातें बताई और काफ़ी इंटरेस्टिंग वो सुन रहे थे। फिर मैंने उनको छोटा बहुत होमवर्क दिया कि पता करके बताएं मुझे इन चीज़ों के बारे में क्या है। और फिर आज सुबह उनसे बात कर रहा था तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली काफ़ी कुछ अच्छा फीडबैक दे रहे थे और बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, स्पेशली बच्चों को ध्यान में रख के, और थोड़ी सी तारों की बातें की जाए उनके साथ। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक है एस्ट्रो नेविगेशन। एस्ट्रो नेविगेशन हिंदी में अगर हम बात करें तो चाँद, सूरज, तारों की मदद से जो हम नेविगेट या पथ प्रदर्शन करते हैं उसी को एस्ट्रो नेविगेशन बोलते हैं। आजकल तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की वजह से काफ़ी कुछ नए नए नेविगेशन इक्विपमेंट्स आ गए हैं। आजकल लोग ट्रैकिंग कैंपिंग बेसिकली या तो फिर गूगल मैप से करते हैं या तो फिर GPS के यूज़ से करते हैं। तो GPS तो अच्छी बात है, लेकिन कभी खराबी आ जाती है, कभी या तो GPS गुम हो जाता है आपका, या फिर बैटरी ख़त्म हो जाती है, या टूट जाता है, या फिर अमूमन जो प्रॉब्लम आता है GPS नेविगेशन के दौरान कि आप किसी ऐसे टेरेन में हैं जहाँ पे आपको सिग्नल्स पूरे नहीं मिल रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि GPS को काम करने के लिए मिनिमम 3 सैटेलाइट्स की सिग्नल उसको मिलना चाहिए, बट कभी ऐसे टेरेन में होता है कि सैटेलाइट सिग्नल्स पुअर होते हैं या मिल नहीं पाता, तो GPS ठीक से काम नहीं कर पाता। तो उस दौरान हमें दूसरे नेविगेशनल एड्स की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि नॉर्मल टोपोग्राफिक मैप हो गए, कंपास हो गए, या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस या किसी से पूछ के रास्ता खोजना पड़ता है, या फिर प्रकृति में इधर उधर देख के, प्रकृति में काफ़ी कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो हमें डायरेक्शन बता सकते हैं, या फिर सेलेस्टियल नेविगेशन या फिर एस्ट्रो नेविगेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आदिकाल से अगर हम इतिहास को उठा के देखें तो इंसान शुरू से ही एक्सप्लोरर रहा है और खोज ही रहा है, और उन्होंने बहुत देश खोज लिए, बहुत आइलैंड खोजे, और मुख्यतः पुराने ज़माने में सारा कुछ नेविगेशन वो मेजरली तारों पे आधारित होता था। तारों की मदद से ही वो समुद्र में भी, ज़मीन पे भी अपने डेस्टिनेशन की तरफ अग्रसर होते थे। तो तारों का काफ़ी जुड़ाव रहा है इंसानों के साथ। हालाँकि आजकल एस्ट्रो नेविगेशन के हिसाब से उतना यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी आज देख लीजिए जितने जोडाइक साइंस है या राशिफल है, इनमें सब तारों की बातें करते हैं लोग। मतलब कहीं ना कहीं इंसान इससे हमेशा जुड़ा रहा है। काफ़ी पुरानी माइथोलॉजिकल कहानियाँ भी इनसे जुड़ी हुई हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इंसान का जुड़ाव हमेशा तारों से रहा है। तो आज हम बातें करते हैं सेलेस्टियल नेविगेशन या फिर नेविगेशन विथ हेल्प ऑफ स्टार्स। बाकी आप इसमें सन के हाउ टू सूरज के साथ कैसे आप नेविगेट कर सकते हैं सूरज की मदद से, या फिर चांद की मदद से कैसे आप नेविगेशन कर सकते हैं, इनको मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगा। तो आज हम बातें करेंगे सिर्फ नेविगेशन तारों की मदद से। तो बेसिकली तारों की मदद से नेविगेशन हम करते हैं, लेकिन एक सिंगल तारों को, इन हज़ारों की तादाद के तारे जब आसमान में होते हैं तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो इंसान ने अपने सहूलियत के लिए या फिर किसी भी वजह से बोल लीजिए, एक सिंगल तारे को पहचानने से आसान है एक ग्रुप ऑफ स्टार्स या फिर तारों के एक समूह को, जिसे आप एक शेप या आकृति दे दें जो कि आप इजीली उसे पहचान सकें, तो आपको हमेशा पहचानने में आसानी होती है। तो इन तारों के समूह को हम नक्षत्र या फिर इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। तो इन बेसिकली इन कॉन्स्टेलेशंस की मदद से
हम अपने दिशाएं खोज सकते हैं और दिशाओं की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो मुख्यतः आपको पता है कि मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, और उसके फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, बट हम इतने डीप में जाएंगे नहीं, हम सिर्फ बेसिक में रहते हैं। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट, इनमें से अगर किसी एक भी दिशा का पता आपको हो जाता है तो आप एक जनरल डायरेक्शन में आप आगे बढ़ सकते हैं, और इसके साथ आप बाकी दिशाओं का भी पता आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे वीडियो, और मैं इनमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से तारों के समूह हैं जिनकी मदद से हम अपनी दिशाओं को आसानी से खोज सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देखिए, शायद आप सबको पसंद आए। ब्रह्मांड अनंत है और अभी तक हमें पता नहीं कितने कितने तारे हैं, कितने गैलेक्सीज़ हैं, लेकिन अभी तक इंसान ने टोटल 88 कॉन्स्टेलेशन या तारों के समूह को आइडेंटिफाई किया है, और इनको कुछ कुछ अलग अलग शेप्स दिए हैं अपने हिसाब से ताकि उनको याद कर रहें, और इनकी मदद से ये नेविगेशन व समय का पता करना, यहाँ तक कि लोग अपना भविष्य भी इनकी मदद से निकालते हैं। तो एक टोटल 88 कॉन्स्टेलेशन अभी मौजूदा परिस्थितियों में इंसानों को ज्ञात हैं। तो बाकी हम देखते हैं पृथ्वी और तारों का समूह। इससे पहले कि हम जाने, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं पृथ्वी और तारों का संबंध क्या है। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध से जो तारे हमें दिखते हैं या फिर जो समूह हमें, तारों का समूह हमें दिखता है, वो हमें दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखता है, और दक्षिणी गोलार्ध से जो हमें तारों का समूह दिखता है वो हमें उत्तरी गोलार्ध से नहीं दिखता है। तो इसीलिए भारत उत्तर में है, तो फिलहाल हम उत्तरी गोलार्ध की बातें करेंगे, और उत्तरी गोलार्ध किसे हमें जो जो तारों का समूह दिखता है उनमें से कुछ तारों के समूह को हम पहचानेंगे और उनकी मदद से हम दिशा खोजने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे दिशा प्रकरण में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो तारा है वो है पोलरिस। आप सबने सुना होगा ध्रुव तारा या नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार की खासियत ये है कि नॉर्थ स्टार कभी अपनी दिशा या अपनी लोकेशन कभी बदलता नहीं है, इसीलिए ये तारा बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम इस तारों की मदद से जो नॉर्थ स्टार है ये अपनी कभी कभी अपनी दिशा बदलता नहीं है, ये फिक्स रहता है। बाकी तारे जितने हैं वो घूमते रहते हैं, मगर नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा अपनी जगह में स्थित रहता है। तो किसी तरह अगर हम नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारे का लोकेशन पता कर सकें तो हम आसानी से हम लोकेशन नॉर्थ का लोकेशन पता कर सकते हैं। ये देखिए, ये ध्रुव तारा है, बाकी सारे तारे घूम रहे हैं लेकिन ध्रुव तारा अपनी जगह पे एक जगह पे स्थिर है। तो किसी भी तरह से अगर हम इसको खोज पाएँ पूरे आसमान में तो हम आसानी से हम पता कर सकते हैं। तो देखिए, ध्रुव तारा एक तारों के समूह का ही हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम छोटा भालू या उर्सा माइनर। ये एक छोटे ढक्कन की आकृति का होता है जिसमें 7 तारे होते हैं, और ध्रुव तारा इसका आखिरी तारा है और ये सबसे ब्राइटेस्ट तारा, सबसे उजला तारा है इस कॉन्स्टेलेशन में। तो अगर हमें ऐसा छोटा ढक्कन दिखता है तो हम उसकी मदद से आराम से ध्रुव तारे को खोज सकते हैं। तो अगर ये ढक्कन हमें नहीं दिखता है तो इसके अलावा एक बड़ा ढक्कन जो हमें हमेशा अक्सर आसमान में दिखाई देता है, जो कि वो है सप्तऋषि। इसको बड़ा ढक्कन बोलते हैं या बड़ा भालू भी बोलते हैं। इसमें भी टोटल 7 तारे हैं और इसकी मदद से भी हम ध्रुव तारे को खोज सकते हैं। इस कॉन्स्टेलेशन या तारों के समूह में जो सबसे इम्पोर्टेंट तारे हैं वो ये पहले 2 तारे या ढक्कन का जो मुंह है, इनको हम पॉइंटर स्टार्स भी बोलते हैं। ये देखिए, ये टोटल 7 तारे और ये ढक्कन, तो ये ढक्कन का जो मुंह है इसको हम पॉइंटर स्टार्स बोलते हैं। इनका नाम भी है, इनका नाम मेराक और दुबे नाम दिया गया है। तो इन दोनों की मदद से भी हम आसानी से ध्रुव तारे को खोज सकते हैं। अगर हम इस लाइन को सीधी कर दें तो आगे हम सीधा जाएंगे तो दिखेगा हमें एक काफ़ी ब्राइट स्टार जो कि नॉर्थ स्टार है या ध्रुव तारा। तो इन पॉइंटर्स की मदद से हम आसानी से ध्रुव तारे को खोज सकते हैं। ये कॉन्स्टेलेशन इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है अलग अलग सीजन में, अलग अलग समय में, बट इन पॉइंटर की स्टार्स की मदद से हम हमेशा इसको खोज सकते हैं। और ये देखिए, ये उर्सा माइनर है, छोटा चम्मच जो मैंने आपको पहले बताया था, ये इसका पूंछ है। अगर ये आपको दिखता है तो ठीक है, अगर ये नहीं दिखता तो भी आप इसकी मदद से इसको आप खोज सकते हैं। तो आसमान में अगर आपको बड़ा ढक्कन दिखाई दे तो उस ढक्कन के पहले 2 तारों को पकड़े और सीधा आगे चलते जाएँ तो आपको एक बहुत उजला सा तारा, ये तारा बाकी सब तारों से ज़्यादा ब्राइट होगा,
यही तारा आपका नॉर्थ तारा है और इसकी दिशा इस ज़मीन पे ये नॉर्थ हो जाएगा। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो इससे आप आसानी से नॉर्थ स्टार का पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए बादल हैं और आपका नॉर्थ स्टार ही नहीं दिख रहा है तो भी आप इसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपका नॉर्थ किधर है। आप इन पॉइंटर स्टार को पकड़ें और अगर इन दोनों तारों की बीच की दूरी अगर एक्स है तो 6x पे आपका नॉर्थ स्टार है, तो आपको आसानी से आइडिया लग जाएगा कि आपका नॉर्थ स्टार कहाँ पे है और फिर उसकी मदद से आप नॉर्थ का आराम से पता लगा सकते हैं। और नॉर्थ पता चल गया तो आप बाकी सब दिशाओं का पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये कंस्टेलेशन, इसको उर्सा मेजर या फिर बिग डिपर, बड़ा चम्मच या बड़ा भालू, जो भी आप नाम बोले, या सप्तऋषि जो इंडियंस हम लोग बोलते हैं, उसकी मदद से आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए इस पूरे वीडियो को देखिए और पता करने की कोशिश कीजिए कहाँ पे आपका नॉर्थ स्टार है। ये देखिए, ये है आपका बड़ा ढक्कन या फिर सप्तऋषि और इसकी सीधाई में है नॉर्थ स्टार। इसमें पता करने की कोशिश कीजिए कहाँ पे आपका नॉर्थ स्टार है। दिखाई दे रहा है? ये देखिए, ये देखिए आपका बड़ा ढक्कन और इस ढक्कन की सीधाई में है नॉर्थ स्टार। इसमें और भी बाकी और भी तारों के समूह हैं जिनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये हमने देखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम कैसे पोलरिस को खोजते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कंस्टेलेशन की तरफ। ये देखिए कैसोफिया या डब्लू स्टार, इसकी मदद से भी हम नॉर्थ स्टार का पता कर सकते हैं। ये अक्सर हमें आसमान में दिख जाता है डब्लू स्टार। इसमें एक छोटा वी होता है, एक बड़ा वी होता है। अगर हम दोनों वी को बीच से काटें और एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो जहाँ पे ये दोनों मिलता है उसके पास में ही एक सबसे चमकदार जो तारा होता है वो होता है नॉर्थ स्टार। और फिर अगर हमें नॉर्थ पता चल गया तो हमें पता लग गया आपका नॉर्थ किधर है। तो कैसोफिया या डब्लू स्टार की मदद से भी हम नॉर्थ का पता आसानी से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जब डब्लू स्टार को देखिए, जिनके एक छोटा वी होगा एक बड़ा वी होगा, इन वी को 20 से डिवाइड करें और एक लाइन खींचे, जहाँ पे ये दोनों लाइन मिल जाएंगी उसके पास ही आपको सबसे चमकता हुआ जो तारा दिखेगा वही आपका नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा या पोलरिस होगा। और फिर इसकी मदद से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि नॉर्थ कहाँ। ये देखिए कैसोफिया, ये देखिए आपने डिवाइड किया, इसके पास सबसे चमकदार तारा कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा है, पोलरिस, और पोलरिस है तो आपका नॉर्थ मिल गया आपको। तो आप ये आपका नॉर्थ हो गया, नॉर्थ पता चल गया तो आप बाकी डायरेक्शन भी आसानी से निकाल सकते हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन है, डब्लू स्टार या फिर कैसियोपिया। ये देखिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप फिर ये पुराना जो मैंने आपको पहले बताया था उर्सा मेजर या बड़ा ढक्कन, उसकी मदद से आप कन्फर्म कर सकते हैं कि वही आपका नॉर्थ स्टार है। यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पे आपका नॉर्थ स्टार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा तारों का समूह जिसके बारे में हम अभी देखेंगे वो है ओरायन या फिर हंटर, या तो हिंदी में हम इसको शिकारी बोलते हैं। तो ये शिकारी के शेप में होता है। देखिए आप देखिए, ये शिकारी है, इसका सर है, ये इसका शोल्डर है और ये शोल्डर इसने तीर को पकड़ रखा है और ये अपने घुटनों में बैठा हुआ है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हमें ध्यान देना है वो है शिकारी का बेल्ट, या इसको ओरायंस बेल्ट या फिर हंटर्स बेल्ट, और उसकी ये लटकती हुई तलवार। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस तारों के समूह या कॉन्स्टेलेशन में क्या देखना है, हमें देखना है उसकी बेल्ट और उसकी तलवार। ये देखिए ओरायन, ये उसकी बेल्ट और इसकी तलवार। उसकी तलवार है ये हमें दिशा बताती है। सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये कंस्टेलेशन हमें तीन दिशा बताती है, ईस्ट, साउथ एज वेल एज वेस्ट। और ये कैसे बताती है, देखिए जब ये उगता है, मतलब जब रात शुरू होती है तो ये ईस्ट से उगता है और फिर ये साउथ होता हुआ और ये वेस्ट में डूब जाता है ठीक सूरज की तरह। तो अब देखिए ये जब उगता है तो ये लेफ़्ट से उगता है और ये पीछे की तरफ टिल्ट है तो ये आपको ईस्ट दिखाएगा, और अगर ये डूबता है वेस्ट की तरफ डूबता है तो अगर सामने की तरफ टिल्ट है डूबते वक्त तो ये आपको वेस्ट दिखाएगा, और जब ऊपर खड़ा है एकदम सीधा आसमान में
तो ये आपको साउथ दिखाएगा। जनरली जब साउथ दिखाता है तब ये बहुत आसमान ऊपर चढ़ा रहता है, और जब ये ईस्ट दिखाता है तब ये ज़मीन के बिल्कुल पास रहता है, और सिमिलरली जब ये डूबता है तब वेस्ट में तो ज़मीन के बिल्कुल पास रहता है। तो अब देखिए अब ये उग रहा है, तो अब ये सामने की तरफ टिल्ट है, तो अब ये आपको दिखाएगा ईस्ट। जैसे जैसे रात बढ़ेगी और ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब ये एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, तो इसकी जो तलवार है वो आपको दिखाएगी साउथ, और सिमिलरली डूबते वक्त ये वेस्ट दिखाएगा। इसकी मदद से हम एक और तारों के समूह को खोज सकते हैं, जिसको बोलते हैं शिकारी का कुत्ता या फिर कैनिस मेजर। तो ये जो सिरस नाम का जो स्टार है ये काफ़ी चमकदार स्टार होता है। अगर हम इस बेल्ट से सीधी एक लाइन खींचें तो एक ये जो डॉग होगा उस डॉग के गले के बेल्ट सिरस की तरफ लेकर आएगा, और उसके बाद हम ध्यान से देखेंगे तो हमें एक ऐसा तारों का समूह मिल जाएगा। इसी प्रकार हम और भी बहुत सारे तारों के समूह कंस्टेलेशन का पता कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अब आसमान में जाके देखिए, अगर आपको ओरायन मिल जाता है तो ओरायन की मदद से आप बाकी बहुत सारे कंस्टेलेशन आसपास पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा दक्षिणी गोलार्ध में चला, अगर हम मान लीजिए अमेरिका में या न्यूजीलैंड में है या साउथ पृथ्वी के दूसरे तरफ है ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहाँ से हमें कैसे हम पता कर सकते हैं नॉर्थ की तरह। तो साउदर्न गोलार्ध में एक कंस्टेलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं साउदर्न क्रॉस या फिर क्रक्स। तो इसकी मदद से हम नॉर्थ का पता कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसे तो काफ़ी सारे तारे होंगे, तो आप कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चार तारे। तो हमेशा याद रखिएगा इस क्रॉस के पास एक छोटा सा चमकदार तारा होता है, तो एक ये तिल की तरह होता है, तो इसकी मदद से आप आसानी से पता कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पास में ही आपको दो बहुत ही ब्राइट स्टार दिखेंगे, इनको भी हम पॉइंटर स्टार्स बोलते हैं। तो अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में हैं और दक्षिणी गोलार्ध के आसमान में अगर आपको देखना है तो ये कंस्टेलेशन आपको बहुत मदद करेगा। तो आप देखिएगा कि ये जो तारे हैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत सारे नेशनल फ्लैग्स में भी हैं। तो आप देखिए आपको दिखाई दे रहा है कंस्टेलेशन कहाँ है, कहाँ साउदर्न क्रॉस दिखाई दे रहा है। ये देखिए वो पॉइंटर स्टार चमकदार तारे और साउदर्न क्रॉस उधर है। तो आप आसानी से इन दो तारों की मदद से, ये काफ़ी चमकीले तारे होते हैं, इनकी मदद से आप साउदर्न क्रॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, देखिए ये पॉइंटर्स और ये आपका साउदर्न क्रॉस या क्रक्स। यहाँ पे देखिए कहाँ पे है पॉइंटर्स और ये क्रक्स, इधर पता कीजिए पॉइंटर और ये क्रक्स साउदर्न क्रॉस। अगर हम साउदर्न क्रॉस को बीच से एक लाइन खींचते हैं और पॉइंटर स्टार के बीच से एक लाइन खींचते हैं, जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करता है वो क्या दिखाता है हमें साउथ, वो ठीक साउथ के ऊपर होगा। ये देखिए साउथ, अगर जो चार तारे हैं एक दो तीन चार, तो जो लॉन्गेस्ट तारे इनमें अगर एक्स मानते हैं तो 4x पे हमें साउथ का पता चल जाएगा, और ये सीधा साउथ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा। इसे पता करने की कोशिश कीजिए कहाँ पे आपका साउदर्न क्रॉस है, ये देखिए पॉइंटर्स क्रॉस। तो अगर हम इन दोनों को करते हैं, ले आते हैं आगे और इन पॉइंटर्स स्टार्स को डिवाइड करते हैं, तो ये जहाँ पे डाइसेक्ट करता है उसके नीचे ही आपका साउथ होता है। यहाँ पर पता करने की कोशिश कीजिए, देखिए साउदर्न क्रॉस और ये। तो अगर हम इनको यहाँ से लाइन ऐसा खींचे और यहाँ से लाइन ऐसा खींचे तो यहाँ पे हमारा साउथ होगा। साउदर्न क्रॉस को खोजिए, दिख रहा है साउदर्न क्रॉस आपको कहीं। इसके अलावा एक बहुत आसान तरीका है जिसके मदद से आप कहीं पे भी रह के रात को अगर आप किसी भी तारा के समूह के कॉन्स्टेलेशन को पहचान नहीं पा रहे हैं तो भी आप पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए दो ऐसे डंडियाँ और एक आसमान में चमकता हुआ तारा। तो आप एक आसमान में एक तारे को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उन दोनों डंडियों को और तारे को एक लाइन में रख दीजिए। इन दोनों डंडियों के बीच में एक यार्ड या फिर 91 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और जब इनको रख दीजिए और आप देखते रहिए ये तारा अपनी दिशा बदलेगा। अगर ये तारा ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, अगर ये नीचे जा रहा है तो आप वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, अगर ये लेफ्ट को जा रहा है तो आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। और तो ये कुछ कंस्टेलेशंस हैं, तो आप आज जाइए रात को छत पे
और देखिए आप इनमें से कौन से कॉन्स्टलेशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, कैसोफिया और ओरायन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो, छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो ये बेसिक्स तारे हैं, हम बहुत लोगों को पता है, बट ऐसे ही रिमाइंड के लिए, ताकि बच्चों को छत पे ले जाइए, बच्चे आप जाइए छत पे और देखिए आप इन छोटे छोटे तारों के समूह को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं, छोटे चम्मच को, बड़े चम्मच को, डब्लू स्टार को, हंटर को या शिकारी को, और फिर उससे आप ध्रुव तारा खोज सकते हैं कि नहीं। ये तारों की जो पढ़ाई है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इनको पढ़ेंगे या जानेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे ध्रुव तारा या नॉर्थ स्टार एक सिंगल तारा नहीं है, वो एक तारों का समूह है, उसमें तीन तारे होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा तारा जो चमकता है उसकी वजह से हम इसको एक ही तारा मानते हैं, और ये अगर है कि तारा का समूह। सिमिलरली अगर आप ओरायन या हंटर के बारे में जो मैंने बताया, तो उसके जो बेल्ट में, जो उसकी बेल्ट के नीचे जो तलवार लटकती है, उसमें तीन तारे होते हैं, तो उन तारों में एक तो बड़ा अच्छा ब्राइट चमकता है, एक हल्का धुंधला होता है, और एक हल्का सा रेडिश कलर का एक धुंधला सा तारा दिखता है। एक्चुअली वो तारा नहीं है, वो नेब्यूला है, वो इतना बड़ा है कि वहाँ पे तारों का जन्म होता है, मतलब काफ़ी तारे वहाँ बनते हैं और फिर आसमान में चले जाते हैं। वो इतना बड़ा है, लेकिन वो हमें छोटी सी तलवार में लटकता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे कॉन्स्टेलेशंस हैं, ड्रैको है, बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस हैं जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, और जब आपको देखेंगे आसमान में इनको तो आपको और अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और बहुत अच्छा होगा अगर आप, क्योंकि हर एक कॉन्स्टेलेशन से कुछ पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, अगर आपको ऐसी कोई कहानी का पता है तो प्लीज़ उस कहानी को मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि औरों को भी पता चले, और कमेंट कीजिए कि बाकी और क्या सुधार कर सकता हूँ मैं ऐसे वीडियो में। ये मैंने पहली बार ऐसा कोई वीडियो बनाया है, तो फिर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ऐसे छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहूं। बेसिकली ज़्यादातर कैंपिंग और ट्रैकिंग रिलेटेड वीडियोस हैं बनाऊंगा, छोटी छोटी सी, ताकि आप कैसे कैंप ग्राउंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप नेविगेशन कर सकते हैं, कैसे आप बाकी जो भी एक्टिविटीज़ में छोटी मोटी चीज़ें हैं। बट ये बहुत सिंपल सी एक वीडियो था, और इसमें सिंपल है, जो हमने बचपन में शायद सभी ने पढ़ा है इन तारों के बारे में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट ज़रूर से कीजिए, सजेशन दीजिए, एडवाइस दीजिए, ताकि वीडियो मैं कैसे और अच्छा बना सकता हूँ।